हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए विषय हिंदी में पाठ 7 टिपटिपवा करेंगे। पिछले हफ्ते भी हमने टिपटिपवा पाठ ही कर रहे थे, उसकी कुछ एक्टिविटी, कुछ पाठ्यपुस्तक की कुछ पेज की एक्टिविटी की थी। और आज हम करेंगे टिपटिपवा लेसन के कार्य पुस्तिका में जो पेज नंबर 54 में एक्टिविटी दी हुई है, हम उसको करेंगे। आप निकालिए कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 54। ये है पेज नंबर 54। तो बेटा, इसमें आपको एक गद्यांश है जो लिया हुआ है, पाठ पर आधारित प्रश्न। इसमें ये आपके पाठ में से ही थोड़ा सा भाग लिया हुआ है, इसको बोलते हैं गद्यांश। इसी में से ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इसमें से छाट कर, इसमें से ढूंढ कर आपको ये प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। तो उसके लिए हमको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा। पहले तो पढ़ेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। बेटा, इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसी में से ये प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा कि तूने बहुत परेशान किया है? धोबी ने, तो इसका उत्तर है धोबी ने बाघ से कहा कि तूने बहुत परेशान किया है। ये आपको पहली लाइन में इसका उत्तर मिलेगा। नंबर दो प्रश्न, धोबी ने किसका कान पकड़ा? इस गद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा तो धोबी ने बाघ का कान पकड़ा, इसमें बताया भी है कि बाघ का कान पकड़ा दूसरी लाइन में। अब तीसरा प्रश्न है, धोबी बाघ को कहाँ ले गया? तो इसका उत्तर है धोबी बाघ को घर की तरफ ले गया। धोबी बाघ को घर की तरफ ले गया, इसमें भी बताया गया है कि वह कहाँ ले गया। ये देखो इसमें कि घर की तरफ ये देखो दूसरी लाइन में लास्ट में ये बताया हुआ है कि घर की तरफ ले गया। अब है चौथा प्रश्न, भीगी बिल्ली कौन बन गया? भीगी बिल्ली कौन बन गया? तो भीगी बिल्ली बाघ बन गया। भीगी बिल्ली कौन बन गया? बाघ बन गया। ये देखो, बाघ बिना चूँ चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, है ना। ये तीसरी लाइन में इसका उत्तर है। अब है पांचवा प्रश्न, धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? धोबी ने बाघ को कहाँ बांधा? तो इसका उत्तर है धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा। और इसका उत्तर देखो सबसे आखिर वाली लाइन में, खूंटे से बांध दिया, है ना। सबके प्रश्न उत्तर, प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से आपको मिलेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है बेटा, अभी तो आपको कराया जाता है, अभी आपको किसी दिन टेस्ट दिया जाएगा जिसमें सिर्फ गद्यांश आएंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ढूंढ के करने होंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं आपके इसी कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 59 पर। ये देखो, ये पेज नंबर 59 में आपको, पेज नंबर 59 लिंक बदलो है। लिंक बदलो मैंने पहले भी कराया है, थोड़ा उसकी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये आपको काम देती हूँ। पेज नंबर 59 का ये भी करना। इसमें देखो, पोता का पोती, धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन और गधा का गधी, पति का पत्नी। तो ये बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करना, इसको भी आप बुक में करना और जो पहले के प्रश्न उत्तर है ये भी बुक में करना और अच्छे से अपनी मैम को भेजना। ठीक है बेटा, इनको याद भी करना है आपको, क्योंकि इनके आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है बेटा।